बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी आर लर्निंग प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस। लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट इट्स मीन हु इज वर्किंग प्लस हैज और हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला हैज़ और हैव जो है वो आप सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पे काम किया जाता है। इसी तरह सिंपली इसका पास्ट परफेक्ट का फार्मूला यही होगा कि सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसके तहत जो है आपको आगे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम एक वर्ब लिस्ट देख लेते हैं और उसकी मीनिंग्स के साथ, ताकि आप जब उसको बनाएं तो आपके जहन में उसके मफहूम उसका वाज़े हो। ये वर्ब्स के लिए मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं। हुडविंक, हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी हुडविंक्ड। अज्यूम करना, कोई ख्याल करना, कोई अपनी तरफ से जो है जहन में कुछ बनाना कि हम कोई परसेप्शंस करना किसी चीज़ का, तो इसका थर्ड फॉर्म है अज्यूम्ड। प्रोवाइड मुहैया करना, प्रोवाइडेड थर्ड फॉर्म। वर्बलाइज मतलब बोलना, अपना बयान करना, वर्बलाइज करना, ठीक है, वर्बलाइज्ड इसकी थर्ड फॉर्म। फॉरगिव माने माफ़ करना, फॉरगिव इसका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, सेंटेंसेस हैं। शी हैज़ हुडविंक्ड हर मदर बाय स्टीलिंग हर वैल्यूएबल नेकलेस। याद रखिए कि शी के साथ शी और ही और इट के साथ हैज़ आता है, ठीक है। शी जो है वो सिंगुलर मतलब थर्ड फॉर्म है, तो उसके साथ हैज़ आएगा। शी हैज़ हुडविंक्ड, उसने वो जो लड़की है उसने धोखा दिया अपनी वालदा को। कैसे, किस ज़रिए से, मतलब स्टीलिंग चोरी करते हुए हर वैल्यूएबल नेकलेस, बहुत ही कीमती नेकलेस को चोरी करते हुए उसने इस तरह धोखा दिया कि अपनी मदर का बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती जो है नेकलेस चुराया। अब पास्ट में सिंपल ही हो जाएगा, हैड लग जाएगा, और पास्ट का तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब है कि इसमें आपने हैड ही लगाना है, ठीक है, चाहे सब्जेक्ट कोई कुछ भी हो, शी हो, इट हो, यू हो, ऑलराइट, वी हो। शी हैड हुड विंक्ड हर मदर बाय स्टीलिंग हर वैल्यूएबल नेकलेस, ऑलराइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसको अगर आप रेपिटेशंस में, मैं इसलिए कर रही हूँ हुड विंक ताकि आपको जहन नशीन होना चाहिए कि धोखा देना। इसी तरह हम इसका नेगेटिव भी बनाएंगे कि नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी हैज़ नॉट हुडविंक, वो जो लड़की है उसने अपनी माँ को धोखा नहीं दिया, हर मदर बाय स्टीलिंग हर वैल्यूएबल नेकलेस, यानी उसकी मदर उस लड़की ने, वो जो डॉटर है, बेटी है, उसने धोखा नहीं दिया और वो वैल्यूएबल, वो कीमती नेकलेस नहीं चुराया। इसी तरह सिंपल है। और मीनिंग्स आप हमेशा ये देखिएगा कि उर्दू जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो मीनिंग ऐसी होनी चाहिए जो उर्दू में ऐसी हो जो समझ में आने वाली हो, बिल्कुल एज इट इज़ अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगी, वो कुछ अजीब ही लगेगी, ठीक है। इसी तरह आप नेगेटिव देख लें, शी हैड नॉट हुडविंक्ड हर मदर बाय स्टीलिंग हर वैल्यूएबल नेकलेस, वो नहीं, उसने हुडविंक नहीं किया है, किया था, सॉरी, हैड के साथ किया था, हैड माने पास्ट में जो हो चुका है। शी हैड नॉट हुडविंक्ड, उसने नहीं किया था, धोखा नहीं दिया था अपनी मदर को बाय स्टीलिंग हर वैल्यूएबल नेकलेस, कीमती हार को चुरा के। तो आप ये देखें कि इसमें है शी हैज़ नॉट हुडविंक्ड, हैज़ और हैव और जो हैड है हम क्यों कब यूज़ करते हैं, जब जिसमें आपको एक मुकम्मल
जो काम आपको लगे कि वो मुकम्मल हो चुका है, प्रेजेंट। इसका ताल्लुक जो है थोड़ा सा पास्ट से भी होता है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट में ही कंसीडर करते हैं कि काम जिसमें मुकम्मल, जिसमें तकमील पाई जाती हो। और हैड जो होता है वो थोड़ा पास्ट और चला जाता है, जिसमें काम आपका मुकम्मल हुए हुए थोड़ा अरसा हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट देखें, अब हमने इसका क्वेश्चंस बनाना है शी हुडविंक्ड हर मदर बाय स्टीलिंग हर वैल्यूएबल नेकलेस। क्या वो चुरा चुकी है अपने मदर का कीमती, क्या उसने धोखा दे चुकी है अपनी मदर को उसकी कीमती हार को चुराते हुए। इसी तरह से पास्ट में क्या होगा, हैड शी हुडविंक्ड, क्या वो धोखा जो दे चुकी थी अपनी मदर को, हर मदर बाय स्टीलिंग हर वैल्यूबल नेकलेस, ना उनकी कीमती जो है हार को चुरा कर। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अज्यूम्ड मतलब अंदाज़ा लगाना, ठीक है। आई हैव अज्यूम्ड, मैं अंदाज़ा लगा चुकी हूँ क्या, आई विल रिड्यूस वेट, कि मैं अपना वेट कम करूँगी। विल आ गया इसमें, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब है कि ये मेरा इरादा जाहिर कर रहा है कि मैं फ्यूचर में ऐसा करूँगी। मैं अंदाज़ा लगा चुकी हूँ, अब अंदाज़ा कैसा लगाया मैंने कि मैं मतलब मैं हूँ या कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बारे में मुझे अंदाज़ा है कि मैं अपना वेट रिड्यूस करूँगी। कैसे अंदाज़ा लगाया मैंने, क्योंकि मैं कॉन्शियस हो गई हूँ, ख्याल रखने कॉन्शियस हो गई हूँ अपनी हेल्थ के बारे में, कि कोई बीमारी ना लगे, वेट ज़्यादा गेन होने से बीमारियों का ज़्यादा खर्चा होता है। तो वो सब चीज़ें मैं देख के अपने जो मेरे जो इंटेंशंस हैं उससे मैं अपने अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि मैं जो है अपना वेट रिड्यूस करूँगी। आई हैड अज्यूम्ड, मैं अज्यूम कर चुकी थी कि आई विल रिड्यूस वेट, कि मैं वेट रिड्यूस कम करूँगी। सेकंड, आई हैव नॉट अज्यूम, मैं मतलब मैं अंदाज़ा नहीं लगा चुकी हूँ कि आई विल रिड्यूस वेट, मैं जो है अपना वेट कम नहीं करूँगी। आई हैड नॉट अज्यूम्ड, मैं अंदाज़ा नहीं लगा चुकी थी कि आई विल रिड्यूस वेट, कि मैं अपना वेट कम करूँगी। फिर इसको क्वेश्चंस में कैसे बनाएंगे, हैव आई अज्यूम्ड, क्या मैं अंदाज़ा लगा चुकी हूँ कि आई विल रिड्यूस वेट, कि मैं अपना वेट कम करूँगी। इसी तरह हैड आई अज्यूम, क्या मैं अंदाज़ा लगा चुकी थी कि आई विल रिड्यूस द वेट। अब देखें, ये कुछ थोड़ा सा बेतुका सा तो लग रहा है आप मीनिंग के हिसाब से, लेकिन जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं या कोई ब्लॉग्स बना रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटे छोटे सेंटेंसेस सामने लगाने होते हैं, फिर अपनी बात को वजाहत भी करनी होती है। तो ये जुमले यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाते, लेकिन उसमें और चीज़ें ऐड होने लगती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता। और ये तो बिल्कुल इब्तदाई चीज़ है कि आपको ग्रामर थोड़ी आनी चाहिए, बेसिक्स। अच्छा, अब प्रोवाइड का बनाते हैं। प्रोवाइड मींस मुहैया करना, डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर है तो उसके सिंगुलर है, लेकिन डॉक्टर हैज़ प्रोवाइडेड, डॉक्टर्स के साथ हैज लगेगा, डॉक्टर हैज़ प्रोवाइडेड ऑक्सीजन टू पेशेंट। डॉक्टर जो है वो पेशेंट की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, डॉक्टर हैज़ प्रोवाइडेड ऑक्सीजन टू पेशेंट, डॉक्टर ने मुहैया कर चुका है ऑक्सीजन मरीज़ को। डॉक्टर हैड प्रोवाइडेड ऑक्सीजन टू पेशेंट, डॉक्टर प्रोवाइड मुहैया कर चुका था ऑक्सीजन टू पेशेंट। अब देखें, ये जुमले भी हम जब कोई ऐसे लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, तो उसके यानी कि जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं सेंटेंसेस, तो उसके बीच में आते हैं, फिर उसके बाद हम वजाहत भी कर रहे होते हैं। जी, डॉक्टर हैज़ नॉट प्रोवाइडेड ऑक्सीजन टू पेशेंट, डॉक्टर ने जो है वो ऑक्सीजन नहीं मुहैया कर चुका
मरीज को। डॉक्टर हैड नॉट प्रोवाइडेड ऑक्सीजन टू पेशेंट, डॉक्टर ने ऑक्सीजन नहीं मुहैया किया था पेशेंट को। अब देखे जब हम कोई चीज़ इसके बारे में बता रहे होते हैं कि कभी हड़ताल होती है, स्ट्राइक्स वगैरह में डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं कर रहे होते हैं, तो हम अगर उस पर आर्टिकल लिख रहे हो तो हम इस तरह के सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज़ डॉक्टर प्रोवाइडेड ऑक्सीजन टू पेशेंट, कि डॉक्टर ने कर चुका है मुहैया, दस्तियाब कर चुका है या मुहैया कर चुका है या उसकी सहूलत दे चुका है ऑक्सीजन की पेशेंट को। हैड डॉक्टर प्रोवाइडेड ऑक्सीजन टू पेशेंट, क्या डॉक्टर कर चुका था मुहैया ऑक्सीजन पेशेंट को। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्बलाइज मतलब एक्सप्लेन, बोलना, टू स्पीक। यू हैव वर्बलाइज योर व्यूज़, आप जो हैं बोल चुके हैं, अपने इजहार ख्याल कर चुके हैं, अपने व्यू ख्याल इजहार ख्याल कर चुके हैं, बताकर अपने व्यूज़ क्या, अपने ख्यालात का। यू हैड वर्बलाइज्ड योर व्यूज़, आप बोल चुके थे अपने ख्यालात। यू हैव नॉट वर्बलाइज्ड योर व्यूज़, आप जो हैं अपने अपने व्यूज़ का, अपने ख्याल का इजहार नहीं कर चुके थे, कर चुके हैं। यू हैड नॉट वर्बलाइज्ड योर व्यूज़, आप अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर चुके थे। हैव यू वर्बलाइज्ड योर व्यूज़, क्या आप अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। हैड यू वर्बलाइज्ड योर व्यूज़, क्या आप अपने ख्यालात का इजहार कर चुके थे। वर्बलाइज मतलब बोलना, टू स्पीक। लास्ट पे आ जाते हैं हम सेंटेंस पे। फॉरगेट, भूल जाना। दे हैव फॉरगेट देयर नेबर फॉर हिज बॉदरेशन। दे मतलब बहुत सारे लोग हैं, दे हैव वो भूल चुके हैं अपने नेबर, पड़ोसी के जो उन्होंने उनको तंग किया था उसको भूल। दे हैव फॉरगेट, उन्होंने सॉरी उन्होंने जो है माफ़ कर दिया है, माफ़ कर दिया है अपने पड़ोसियों को उनकी तंग करने वाली खासियत की वजह से। बॉदरेशन मतलब बॉदर माने तंग करना, बॉदरेशन इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दे हैड फॉरगेव देयर नेबर फॉर हिज बॉदरेशन, वो भूल चुके हैं अपने, माफ़ कर गए हैं। स्टॉप, जस्ट अगेन, यू कैन प्लीज लिसन। दे हैव फॉरगेव देयर नेबर फॉर हिज बॉदरेशन, वो उन्होंने माफ़ कर दिया है अपने पड़ोसी को उनकी तंग करने वाली खसलत की वजह से। दे हैड फॉरगिव, वो माफ़ कर चुके थे देयर नेबर अपने पड़ोसी को फॉर हिज बॉदरेशन, उनकी जो है तंग करने की वजह से। दे हैव नॉट फॉरगिव, वो माफ़ नहीं कर चुके थे देयर नेबर फॉर हिज बॉदरेशन। They had not forgive their neighbor for his botheration. They had not, वो नहीं, यानी माफ़, उन्होंने माफ़ नहीं किया था या नहीं कर चुके थे अपने पड़ोसी को उनकी तंग करने वाली खसलत की वजह से। Have they forgive, क्या वो माफ़ कर चुके हैं their neighbor अपने पड़ोसी को for his botheration, उनकी जो है तंग करने की वजह से। हैड दे फॉरगिव, क्या वो कर चुके थे माफ़ देयर नेबर अपने नेबर को फॉर हिज बॉदरेशन, उनके तंग करने की वजह से। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिसमें आपको थोड़ी सी वोकैबुलरी भी रिवाइज कराई गई है क्वेश्चंस के ज़रिए, नेगेटिव सेंटेंस के ज़रिए, और इसको आप जो है
वोकेबलरी को भी अपनी लिस्ट में ऐड करें, उसको बार बार अंडरस्टैंड करें। उसको तरीका यही है कि उसके सेंटेंसेस बनाएं। जितने आप ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे तो वोकेबलरी आपको याद रहेगी। अल्लाह हाफिज़।